हेलो प्यारे दोस्तों मैं फैज़ान मलिक हूँ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डी ए तो प्यारे दोस्तों आज खास टॉपिक आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसे ज़रा ध्यान से देखिएगा आज का हमारा टॉपिक है आंख की गहरी यानी कि आंख की फुंसी और नाक की फुंसी के लिए तो प्यारे दोस्तों लोगों के नाक में फुंसी हो जाती है आंख में फुंसी हो जाती है बहुत ज्यादा नाजुक जगह है जहां पे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं इसकी फुंसी से काफी ज्यादा दर्द भी होता है तो उसके लिए मैंने आपको तीन टॉपिक बताए हैं तीन तरह तरीके बताए हैं तो जिससे आपके एक ही दिन में फुंसी बिल्कुल गायब हो सकती है तो प्यारे दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिएगा कुछ जरूरी बातें जो आपको समझाना चाहता हूँ आंख की फुंसी को यानी कि गोहेरी को हाथ ना लगाए फुंसी जब फूटे तो उसकी गंदगी आंख में ना जाए जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी ऐसी दवा का यूज़ ना करें जिससे आँख में कोई साइड इफेक्ट हो दवा आँख में जाने से बचाएं जिससे क्या होता है हमारी आँख को नुकसान होता है हमारी आँख में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और जो मैंने घरेलू दवा बताई है उसमें आपका लहसुन ऐसा है जो आंख के अंदर आप ना लगाएं जिससे आपको जो है जलन होगी और काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है तो प्यारे दोस्तों लहसुन का यूज़ आपको कैसे करना है वो भी मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इमली के बीज को भिगो छिलका छिलका निकालने और इस छिलका को निकालते हुए इमली के बीज की गिरी चंदन की तरह घिसकर ग्वेरी यानी कि आंख की, की फुंसी पर लगाएं एक दिन में फुंसी खत्म हो जाती है इमली का बीज किस तरह से आपको भिगोना है पहले ये भिगोना है लगभग एक दिन ऐसे भिगा रहने शाम को भिगोएं और सुबह को इसकी जो है गिरी छील लें और बीज को घिस कर आपको चंदन की तरह जैसे घिसते हैं उसको वैसे ही आँख पर लगाना है इसको तो प्यारे दोस्तों इससे हमारी एक ही दिन में आँख की जो है फुंसी खत्म हो जाती है अब दूसरी जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कानों नाक दोनों के लिए है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है लहसुन लहसुन की गिरी आपको दस मिनट में इससे फ़ायदा होगा लहसुन की गिरी को छील कर उसे पीस लें या उसका रस निकाल कर आँख या नाक की फुंसी पर लगाएं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा यूजेबल है ये मैं हमेशा अगर मेरे कभी भी निकलती है तो मैं यही यूज़ करता हूं और आगे आपको भी मैं यही राय दूंगा कि सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ यही है आप इसे यूज़ करें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दोनों फुंसियों में एक बार इसे आप ध्यान से समझ लें इस लहसुन को आपको छीलना है और छीलने के बाद अगर आप नहीं चाहते हैं उसे पीसना तो आराम से इसकी जो नोक होती है उसे दबाएं जिससे कि उसका रस निकलता है नोक से और वो जो है आपको फुंसी पर लगाना है जिससे आपको बहुत जल्दी फायदा होगा और कोई भी फुंसी हो मैं आपको बता दूं नाक की हो या फिर कान की में भी ये आपके ज़्यादा फायदा करता है कान हो नाक हो या फिर आपकी आइज आँख वाली हो बस याद रहे कि इसे आँख में मत लगाना क्योंकि बहुत तेज होता है इसके जो अर्क है वो आपकी आंखों में लगेगा तो प्रॉब्लम भी हो सकती है आँख सुर्ख हो सकती है और आपको फुंसी को हाथ से नहीं दबाना है जो मैं पहले बता चुका हूँ जिससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है आपको आंख या नाक की फुंसी पर हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है इससे क्या होता है हमारी आंख या नाक की फुंसी में इन्फेक्शन होने का डर रहता है जिससे वो पकने लगती है और आंख में भी इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों अगर आप आंख की फुंसी पर हाथ लगा रहे हैं तो ये जो है इससे बचें और प्यारे दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आई है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा